फ्रेंकी नाम तो यूनिक सा है ही, टेस्ट भी इसका बहुत ही अमेजिंग है। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है थोड़ा सा मैदा, और मैदे के साथ हमें मिक्स करना है थोड़ा सा आटा। और अगर आप इसे बाहर वाला फ्लेवर देना चाहते हो तो इसमें आप आटा ना ही मिक्स करें, लेकिन चूंकि हम घर पे बना रहे हैं तो इसको टेस्टी और हेल्दी भी बनाना है, तो इसलिए हमने आटा भी मिक्स किया है। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया की पत्तियाँ और नमक मिक्स करके हमने इसको अच्छे से इसका आटा लगा लेना है। उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है जिससे ये थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाए, और आटा इसका अच्छा सा बहुत ही सॉफ्ट सा लगाना है। और ये आटा लगाने के बाद, मतलब ये इसका अच्छे डो फॉर्म में बनाने के बाद, इसे ऊपर से भी हल्का सा ऑयल लगा देना है। और लगा देने के बाद इसे ढक के हमें 2-3 घंटे के लिए अच्छे से रख देना है। और जब हमें खोलना है तो फिर हमें इसे थोड़ा सा फिर गूंथना है और फिर इसे हमें रख देना है। हमें बाकी तैयारियां करनी है। तो हमने गाजर को पतले टुकड़ों में कट कर लिया है, और शिमला मिर्च को भी पतले टुकड़ों में कट कर लिया। आलू हम बॉयल बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, ये मेरा तरीका है, मतलब ये मेरी डिश है, तो मैं तरीका भी अपना ही बताऊंगी। ये हमने कच्चे आलू को थोड़ा सा मतलब पील कर लिया है, नए वाले आलू है तो इसको पील करने में बहुत प्रॉब्लम तो होती ही नहीं है। मतलब अगर इसको आप अच्छे से हाथ से रब भी कर दें तो इसके छिलके तो हट ही जाते हैं। फिर थोड़ा सा चक्कू की हेल्प से हटा लेना है छिलके, और इसे हमें ग्रेट कर लेना है। और ग्रेट करने के बाद हमें इसको मतलब इसके साथ मतलब पतले वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करिएगा। और ग्रेट करने के बाद इनको हमें अच्छे से धुलना होता है, मतलब एकदम चिल्ड वाटर में। अब ठंडी के टाइम में तो फ्रिज में पानी इंसान रखते नहीं है, लेकिन इसे हमने अच्छे ठंडे पानी में ग्रेट कर लिया है। और थोड़े से पनीर भी हमने कट करके रख लिए हैं दूसरी तरफ। और फिर हमने इसमें कढ़ाई में डाला है देसी घी, और आप चाहें तो किसी और ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें हरी मिर्च डाला है, फिर हमने प्याज डाल दिया है, प्याज के साथ 1-2 गाजर भी आ गई क्योंकि हमने सब साथ में ही कट कर लिया था। और फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्याज जब थोड़ा सा भून जाए तो उसमें हमने फिर डाला है शिमला मिर्च और गाजर, और इसको हमने अच्छे से भून लिया है। फिर हमने जो ये अपने ग्रेट किए हुए आलू रखे थे ना, इसे भी हमें डालना है और इसे भी अच्छे से भून लेना है। और इसे हाई फ्लेम पे ही भूनिएगा, मतलब ऐसा भी ना हो कि जल जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा, बीच बीच में चलाते रहिएगा। और फिर इसे भूनने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा डाला है टमाटर, टमाटर के बाद हमने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसमें फिर हमने थोड़े सॉसेस डाल दिए हैं, वही मतलब अपने सॉसेस जो भी हैं, टमाटो सॉस या वो अगर सोया सॉस वगैरह भी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने टोमेटो सॉस ही डाला है। और उसमें मैंने पनीर के जो टुकड़े कट करके रखे थे वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और ऊपर से थोड़ी धनिया की पत्तियाँ डाल दी। तो हमारी ये स्टफिंग बन के बिल्कुल तैयार है। इसे हमें ढक के साइड में रख देना है, मतलब ये बिल्कुल एकदम अमेजिंगली बन के तैयार हो गई। इसमें अब कुछ भी नहीं करना है हमें, तो बस अब हमें लेना है वो आटा जो हमने पहले से ही लगा के रखा था। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, मतलब एकदम स्टिकी सा लग रहा था, तो उसकी हमें पहले पेड़े बना मतलब लोइयां बना लेनी है। लोइयां बनाने के बाद फिर हमें उसे जो मतलब मैदा होता है ना, मैदे से हल्का हल्का इसे पतला बेल लेना है, मतलब काफ़ी पतला बेलना होता है, रोटी से भी पतला इसे बेलना होता है, थोड़ा बड़ा बेलना होता है, मतलब कि रोटी से बड़ा और रोटी से पतला, आप समझ सकते होंगे, मतलब फ्रेंकी का शेप जैसा होता है वैसे ही बेल के हमें रख लेना है। मतलब चूंकि ये मेरे 3-4 ही थे तो मैंने प्रेफर करा कि मैं एक साथ ही सबको बेल लूं, और मैंने अपने सारे मतलब सारी लोइयों को अच्छे से बेल लिया है। आप देख सकते होंगे, मतलब इसकी साइज़ आप समझ सकते होंगे। और इसके बाद फिर मैंने एक तरफ तवा गर्म करके रखा था, और उस पर मैंने ये डाला, और डालने के बाद इसको एक तरफ जब हो जाता है तो इस पर हल्का ऑयल लगा के, मतलब बहुत हल्का ऑयल की ग्रीसिंग करनी है आपको, इसमें ऑयल पराठों की तरह बिल्कुल नहीं सेकना है, इसको बस बहुत हल्का हल्का लगाना है और लगा के इसको अच्छे से सेक लेना है। देखिए बाहर जो फ्रेंकी आती है उसका कलर तो यही होता है, मतलब इस समय जो है ना ऐसा वाइटिश वाइटिश होता है, लेकिन वो जो मैदा होता है ना वो तो प्रॉपर पकाते नहीं है, क्योंकि भाई उन्हें तो मतलब प्रेजेंटेशन चाहिए ना, लुक अच्छा चाहिए। लेकिन हम इसे जब घर में बनाते हैं ना तो हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से पकाना होता है, भाई वाइट के बजाय ये रेड हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना अगर आपको खाना है तो थोड़ा हेल्दी बनाइएगा। तो ये जो रेड रेड थोड़ी सी चित्तियाँ आ जा रही हैं, ये सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा पकाया है, क्योंकि एक तो आप मैदा खा रहे हो, और मैदा खा रहे हो और उसको भी अगर थोड़ा सा अधपका खाओगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आप ही झेलोगे। मतलब ठीक है, अगर मैं वीडियो के लिए चाहूँ तो मैं इसको वाइट वाइट शो कर दूँ, लेकिन नहीं, मतलब मैं जैसा खाऊंगी मैं वैसा ही दिखाऊंगी। तो आप लोगों में से किसी को ये फ्लॉज के रूप में लग सकता है, तो प्लीज़ इसे माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैंने सच में इसको
अच्छे से पकाया है, और पकाने के बाद फिर मैंने जब मेरी ये सारी मतलब रोटियां वे मतलब फ्रेंकी का बेस बन के तैयार हो गया, तो मैंने फिर इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा टोमेटो केचप और थोड़े से मेयोनीज डाले हैं, और वो जो स्टफिंग हमने बना के रखी ना बस उसे भर भर के डालना है, और ऊपर से थोड़ी पनीर और ग्रेट कर देनी है अगर आपने रखी है तो, नहीं वरना तो कोई बात नहीं है। फिर थोड़ा सा चीज़ डालना है और बस इसको रोल कर देना है इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर टूथपिक भी लगा सकते हैं अगर आपको रिप्रेजेंट टेटिव और बनाना है तो। ऐसे ही मैंने करके अपने सारे मतलब कि सारे फ्रेंकीज़ को अच्छे से बना लिया, और आप देख सकते हैं ना ये कितना अमेजिंग है, मतलब इसको आप लंच वगैरह में भी अच्छे से दे सकते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा चीज़ को मेल्ट होने रखने के लिए थोड़ा सा तवा जब हमारा गर्म था तो उस पर रख दिया कि चीज़ थोड़ा मेल्ट हो जाए, और ऊपर से मैंने थोड़ी सी और रेड चिली फ्लैक्स वगैरह डाल के मतलब थोड़ा सा तीखा तीखा बना लिया। और रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसमें चाहें तो ऐसा रैप पेपर, कोई भी पेपर मतलब टिश्यू पेपर या कोई फॉइल पेपर गरम है तो ना ही लगाएं अच्छा होगा, मतलब अगर आप चाहें तो टिफ़िन में रखना है आपको तो आप वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अमेजिंग सी और टेस्टी सी फ्रेंकी बनके तैयार है। खाएं पिए, एंजॉय करें, रेसिपी अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड।